हेलो फ्रेंड्स, मनोरमा किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सांभर मसाला। तो इसके लिए क्या क्या लगता है चलिए देख लेते हैं। और ये देखिए सांभर मसाला कितना अच्छा बना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये साबुत धनिया लेंगे एक चम्मच, जीरा लेंगे एक चम्मच, उड़द की दाल लेंगे सफ़ेद वाली एक चम्मच, ये भी डाल देंगे, चना दाल लेंगे एक चम्मच, दो तीन हम ये साबुत लाल मिर्च लिए हैं ये भी डाल देंगे, ये सूखा हुआ नारियल लेंगे ये भी डाल देंगे, कुछ मैंने ये कड़ी पत्ता लिया ये भी डाल देंगे, सरसों लीजिए या राई लीजिए, मैंने राई लिया है ये भी डाल देंगे, मेथी दाना लिए हैं आधी चम्मच ये भी डाल देंगे, काली मिर्च लिए हैं एक चम्मच आधी चम्मच ये भी डाल देंगे, अब इसे हम सारा रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे, दो से तीन मिनट तक हम मीडियम पे रोस्ट करेंगे इसे, मीडियम फ्लेम पे हम दो से तीन मिनट इसे रोस्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ये सांभर मसाला बनाइएगा, अच्छा लगता है। ये देखिए चिट 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 आवाज़ आ रही होगी, बस हो गया, हम गैस को बंद कर देंगे। हम इसको ठंडा होने के लिए इसमें रख लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम पीसते हैं। तो हम इसको पीस लेंगे, ठंडा हो गया। तो ये आधी चम्मच हींग लिए हैं इसे भी डाल देंगे, ये देखिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं ये भी डाल देंगे। अब इसको हम पीस लेते हैं, पीस के हम आपको दिखाते हैं, चलिए देख लेते हैं पीसा कि नहीं। ये देखिए पीस गया, ये देखिए कितना अच्छा बन गया। तो चलिए इसे हम निकाल के दिखा। ये देखिए सांभर मसाला मैंने बना दिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे डोसा सांभर इडली के साथ डाल के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।